मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम लोग क्लास फोर में मैथ्स का क्लास देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर फाइव में आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, और डिवीजन का मतलब होता है चैप्टर फाइव जो है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में लग रहा है। इसके पहले मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग चेक करेंगे। अपने टेबल पढ़ा हो जैसे फोन को मल्टीन को फोन से निकालता है ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई। लेकिन इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 को क्या बोलेंगे मल्टीप्लाई बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे फोल्डर या आपका मल्टीप्लिकेशन चैप्टर जो है। आपको ये 1 2 3 तीन चीजें जो है आपको जानने की मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई और ऑर्डर, ये तीन चीजें होती है। इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलेंगे, और जो आपका रिजल्ट जो आएगा ये रिजल्ट जो आपका होगा जो गुणा करने पर जो है उसको लोग याद रखेंगे, और आगे क्या उस रूल्स उस नियम देखते हैं उसको बनाने से पहले तो और आसानी से बने। ठीक है, देखते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में क्या होता है गुण विशेषता, किसी भी चीज का विशेषता होता है गुण होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ गुण है कुछ विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जानेंगे पहला गुण जो है इसका, है ना, इसे हम लोग एडिशन और सबट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, ऑर्डरिंग गुण है ना, ऑर्डर गुण।
इसे ना सबटेक्स में ही पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मल प्रॉपर्टी जो है यानी कि ये इक्वल के पहले इक्वल के बराबर है, दोनों साइड आपको बराबर होना चाहिए, इक्वल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा इक्वल मतलब बराबर, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है वो बराबर होने चाहिए, इधर का उधर मान लीजिए कि थर्टीन होने फोर है तो फोर होने थर्टीन है ना, यह है देख रहे हैं अभी इसका चेंज हुआ है, इसका भी थर्टीन पड़ा कितना होगा फिफ्टी टू, इसका भी फिफ्टी टू होता है बराबर होगा, ये बराबर यह होगा दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों साइड जो है आपका लेफ्ट साइड है या आपका लेफ्ट और या आपका राइट है राइट साइड, दोनों साइड जो है आपका ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल मतलब क्या होता है बराबर होता है जो दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होने चाहिए, तो किसी भी साइड में कोई लेफ्ट साइड छूट गया रहता है तो बराबर करने के लिए हमको हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं या हम कैसे देखते हैं देखते हैं, और क्वेश्चन इसके अंदर जाते पूछने के और सबसे पहले है 36 मल्टीप्लाई 23.2 बॉक्स मल्टीप्लाई 36 देख रहे हैं, इसके पहले लेफ्ट साइड आपका है 36 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इसका क्या 28 यहाँ पर लिखेंगे और फिर देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, ठीक है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं करना है, 23 से 36 दिया हुआ है लेकिन इधर कभी बता रहा है कि एक नंबर जो है आपका नहीं है इस साइड में, कोई भी दूसरा नंबर ऐड करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हम लोग 36 को 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्रोडक्ट जो होगा सेम है, प्रोडक्ट जो है उसका सेम होना चाहिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे सो दोनों का सेम होना चाहिए, इसको हम लोग इसमें डालेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बराबर ही नंबर होना चाहिए, इस तरह से आपको ये ऑर्डर प्रूफ करेंगे, ठीक है चेंजिंग है, वन 38 है फर्स्ट में, 108 है सेकंड में, 69 है और 72 है, तो दोनों के बाइक में कितना है, ये दोनों के बाइक में तो कितना है, तो कहने का मतलब ये बराबर जो हमारा है इसके
लेफ्ट साइड जितना है उतना ही राइट साइड भी होना चाहिए। उसके लिए जो है नंबर चेंजिंग हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, 10 नंबर को यदि ड्राई करके चेक करेंगे और इधर का भी चेक करके देखेंगे तो होगा आंसर जो भी आपका है सही स्वयं तो आपका नंबर सही बनेगा। देखो नंबर गलत लग सकता है, गलत नंबर डालेंगे गलत है, उस वजह से अपने प्रॉपर्टी आपका काम करेगा, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी। ब्रैकेट्स कैसमेंट बताता है, ब्रैकेट्स जैसे मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई से ब्रैकेट अंदर आओगे ठीक है, बाहर में आता ये है ना, और होना चाहिए 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई ये देखो, ठीक है ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, दोनों का आंसर जो है सेम होना चाहिए, इधर का भी इधर का, क्योंकि ये इक्वल दिखा रहे हैं तो ये जो है इधर जितना होना चाहिए उतना इधर का भी चाहिए, इसका मतलब ये होगा तो मतलब नंबर है दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें चल कर 17 दोनों का आंसर सेम है ठीक है, 335 दोनों का देखना करके अंदर ही इसको डन से सिगरेट को भी आएंगे ना, ये खुद में आएगा कि पेन को बाहर करके इसको जो है बाहर कर दिया जैकेट से और इसको नहीं दिया, ये दोनों को मिलता है दोनों के यहाँ पे रख दिया है और फिर मैंने कल के दिखाया है ना प्रॉपर्टी काम करेगा, इसका मतलब होता है बराबर साइज होता है ना, और एक और साइज होता है देखो ये है ना बड़ा है ये छोटा है ठीक है। दूसरी साइज हमने पढ़ा होगा जब कंपेयरिंग क्वेश्चन होता है दो नंबर के बीच कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं ऐसे मान लेते हैं, पढ़ा होगा आपने ऐसे क्लास में थ्री जो है आपका फोर से क्या है छोटा है ये वाला साइड छोटा और मान लीजिए कि फाइव है फाइव से आपका बड़ा है फोर से ये साइड में अब ये है सेवन सेवन क्या दो साइड में बराबर चलता है ना, एक ही नंबर है आपको इक्वल साइन देखिए बराबर होगा ये होता है बड़ा होगा ये नंबर ये हो गया छोटा हो गया ये होगा इसका इस तरह से होगा इधर इसने भी वही चीज बनाते हैं लेफ्ट साइड ये राइट साइड होता है दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने में आपको इक्वल होना चाहिए बराबर नंबर होना चाहिए तब ये देखा प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी देखा प्रॉपर्टी का
तो हम लोग इक्वल मतलब संध्या संख्या लेफ्ट साइड आपका जो है राइट साइड भी है दोनों साइड जो है आपको इक्वल होना चाहिए। एडिशन करने पर एडिशन होता है एडिशन करने पर सबट्रैक्शन का हो सबट्रैक्शन करने पर जो है दोनों साइड का एडिशन करके आपका इतना आंसर होना चाहिए। आप पढ़ करके देखेंगे और ये चेंजिंग हो रहा है ग्रुप का चेंजिंग देख रहे हैं ये ग्रुप का चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे 10 7 है एक साथ है हम कॉलर कर दिए गए फिर 10 को कॉलर कर दे रहे हैं फिर फाइव कोई चेक करेंगे हम लोग ठीक है ठीक है आपका होमवर्क होगा और इस तरह से इतना सा आपका नोटिफिकेशन और आगे पढ़ाएंगे इसको ठीक है।